Bismillahir Rahman Rahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to my channel Pan Gravity. Editorial analysis ki series hum kar rahe the aur aaj hai 27th of September 2023. Dawn newspaper ke editorials ko hum discuss karenge. इनको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या बेनिफिशियल है और फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करने से पहले ये रिमाइंडर है, फर्स्ट टुडे डॉन पेपर जो है न्यूज़पेपर, उसकी पीडीएफ कॉपी जो है वो अटैचमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली सून वी विल स्टार्ट पेन ग्रेविटी इंग्लिश चैनल। इसमें जो लेक्चर्स होंगे वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, तो वो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हों इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कशन को सुनने के लिए या जो भी लेक्चर्स हैं, दे कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। एंड थर्डली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, सिर्फ करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि करंट अफेयर में क्या हो रहा है, आप जो भी एग्जाम देना चाह रहे हैं CSS स्पेशली PMS और PCS, तो इन एग्जाम्स के लिए किसी किस्म की भी आपको डिफिकल्टी है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे। एंड और वो जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अभी, जैसे CSS का रिजल्ट अनाउंस हुआ है रिटर्न का, तो जिन्होंने क्वालिफाई किया, अगर इंटरव्यू परस्पेक्टिव से भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। या फिर इस तरह से है कि इन फ्यूचर वी विल अरेंज ओनली क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आप जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू जहन में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है मोर डिसेग्रेशन। तो आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले इस चीज के ऊपर फोकस करूंगा कि जो ये वाला एडिटोरियल है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अगर पेपर में हम इसको किस तरह से, यहाँ पे जो नॉलेज हम अभी डिस्कस करेंगे इसको एनालाइज करेंगे, तो यहाँ से जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी उनको हम पेपर में कहाँ पे फिक्स कर सकेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली जो मेन गोल है वो है पेपर में, पेपर को क्वालिफाई करना। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता दूँ, मैं हमेशा एक से जिस तरह मैं करता हूँ कि CSS और PMS में जो मेन पेपर है वो है जी SA का, उसके अंदर प्लस इंटरव्यू में जो जा रहे हैं इंटरव्यू वालों के लिए दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, और इसके अलावा इसमें जो दिया जाता है एंड पर एक ओपिनियन दिया जाता है दैट मैटर्स, ये जो ओपिनियन होता है ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द वर्ल्ड उसको तब्दील करता है और आपको एक्सप्लेन करता है कि दुनिया में जो मुख्तलिफ इशूज हो रहे हैं उनको हम किसी और एंगल से कैसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ये जो है ये बेसिकली डिसेक्रेशन का मतलब होता है कि किसी मुकद्दस चीज़ को, दो सेक्रेट चीज़ उसकी वायलेशन करना मुकद्दस है, और ये स्पेशली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। जैसे अब कुरान मजीद है, मुसलमानों की एक रिलीजियस बुक है, और इसी तरह हमारे जो नबी हैं प्रोफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो अगर उनके बारे में कोई गलत आर्गुमेंट्स करता है तो अल्टीमेटली तमाम मुसलमानों को एक पेन फील होती है, क्योंकि ये हमारी रिलीजन की वजह से है, हमारी एसोसिएशन है इन चीज़ों के साथ। तो ये जो होता है ये वर्ड जो डिसेग्रेशन है इसका मतलब होता है किसी सेक्रेट चीज़ जो किसी भी मजहब के लिए किसी भी इंसान के लिए बड़ी मुकद्दस हो उसकी वायलेशन करना, उसकी उसको यानी कि तोड़ मरोड़ कर बयान करना, कुछ उसके साथ ऐसा करना के उसकी बेइज्जती हो, ठीक है। तो मोर सेक्रेशन डिसेक्रेशन ये है जी। अब ये होगा इस्तेमाल, इसमें जो वो एक्सप्लेन करेगा ना वो ये एक्सप्लेन करेगा कि यूरोप के अंदर जो कुरान मजीद की जो जिसको बर्न किया जाता है मुख्तलिफ ओकेजन के ऊपर, तो उससे क्या हो रहा है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अब जैसे ऐसे की अगर मैं बात करूँ या करंट अफेयर की या पाकिस्तान अफेयर की, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जैसे है जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये एक अब पूछा जाता है कैसे में या वैसे भी, तो
इसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नेगेटिव्स में इसको बता सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नेगेटिव ये हमारे सामने है कि इस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नेगेटिवली यूज किया जाता है, जिसमें जब आप डीमेरिट्स इसके डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं इस चीज को, इस एग्जांपल को। इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया के अंदर आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो एक्टिविटीज जो मैं ये वाली हो रही है यूरोप के अंदर, ये अल्टीमेटली फिर क्या कर रही हैं, जो मुस्लिम्स हैं उनके जज्बात को उभार रही हैं, उनमें हेट पैदा कर रही हैं। तो फिर ये इस्लामोफोबिया में भी आप जब एक्सप्लेन करेंगे कि वाई इस्लामोफोबिया, क्यों, कहां से जनरेट, कहां से हो रहा है, तो वहां से आप बताएंगे दैट इज नॉट एक्शन बट दैट इज अ रिएक्शन। आगे अगर मैं चलाऊं तो इसको आप टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इन चीजों के अंदर आप ये चीजें हैं, ये वाला जो एडिटोरियल है इसमें जो एक चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, इनके अंदर आप एज ए एग्जाम्पल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एज एक पर्सपेक्टिव भी अपना दे सकते हैं, अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं कि इस वजह से भी कुछ चीजें जो हैं वो बुराई की तरफ जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज इनसाइड द एडिटोरियल। इसमें जो इनसाइड अगर हम जाते हैं तो पहली चीज जो एक्सप्लेन की गई है वो ये की गई है कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम में द होलीएस्ट सिंबल जो है वो बुक है, कुरान मजीद है, और उसको क्या किया गया है, इस्लाम के अंदर जो होलीएस्ट सिंबल है वो क्या है, कुरान मजीद है, और कुछ महीने पहले क्या किया गया, इसको बर्न किया गया। बर्न कहाँ पर, यूरोप के अंदर, यूरोप की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वहां पर कुरान मजीद को जलाया जाता है, और उनमें जो है एक तो स्वीडन है, सेकंड डेनमार्क है, और अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो नेदरलैंड के अंदर हुआ है। और ये कब हुआ, 23 सितंबर को ये इंसिडेंट हुआ। ये वाकया वो एक्सप्लेन कर रहा है, एक बेस बना रहा है जो खबर है कि ये चीजें हुई हैं। और 23 सितंबर को किसने किया, जी लीडर है किसका, डच विंग ऑफ पगीडा, नोटोरियस पैन यूरोपियन हेट ग्रुप, यूरोप के अंदर एक नफरत फैलाने वाला एक ग्रुप है जिसकी पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है वो आप कह सकते हैं अप्रोच है, पॉलिटिक्स के अंदर भी उसका अमल दखल है। तो उन्होंने क्या किया कि जो मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं मुसलमानों की नेदरलैंड के अंदर, जैसे पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया की, तो उनकी एम्बेसीज के सामने उन्होंने कुरान मजीद को जलाया। और ये उन्होंने कहा है कि ये ओरिएंटलिस्ट होते हैं बेसिकली, ओरिएंट जो है वर्ल्ड है, एक ओरिएंट वर्ल्ड जो है, इसका मतलब अगर आप सिंपल एग्जांपल लें तो जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है। तो ये उन्होंने कहा कि पहले भी इसी तरीके से ये मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, जैसे कार्टून कंट्रोवर्सी चली थी कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये पहले भी होता था। ये सूरत हाल को एक्सप्लेन कर रहा है कि हुआ क्या था, तो ये कुरान मजीद की जलाया गया। अब उसके आगे वो क्या कहता है कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये एक्सप्लेन करता है कि ये दैट इज नॉट मोटिवेटेड बाय अटैचमेंट टू फ्री स्पीच। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको मोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये क्या कहा जाता है कि ये जी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर या फ्री स्पीच है मुस्लिम मुल्क के अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको फ्री स्पीच के साथ अटैच ना किया जाए, क्योंकि क्योंकि अगर इसको करेंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करेगा सोसाइटी के अंदर। एक चीज तो उन्होंने ये इसके अंदर बताई। सेकेंडली उसने कहा कि ये उसी तरीके से ही है कि जिस तरह से कि ये वाला जो ग्रुप ये वाली एक्टिविटीज कर रहा है, यही वो एक वाइट नेशनलिस्ट ग्रुप है, उसकी एक आइडियोलॉजी है, जो कि पहले क्या थी आइडियोलॉजी में उसने क्या कहा था कि क्रिश्चियन चर्च ओस्लो, क्रिस्ट चर्च ओस्लो और मॉन्ट्रियल के अंदर मुसलमानों को कत्ल किया गया, तो जो उसका किलर था उसको फेवर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी इसी पैराग्राफ के अंदर इस्लामोफोबिया के बारे में वो एक्सप्लेन करता है। तो इस्लामोफोबिया को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है ना इस्लामोफोबिया, ये यानी कि अगेंस्ट द मुस्लिम जो है, ये रियल वर्ल्ड हकीकत में क्या है, दुनिया जो है वो अगेंस्ट द मुस्लिम्स है,
एडवोकेटिंग रियल वर्ल्ड वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम, और दूसरी तरफ कहते हैं जी इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। हालांकि ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से, और ये सिर्फ वेस्टर्न एक्सट्रीमिस्ट नहीं है कि सिर्फ ये यूरोप के अंदर ये नहीं हो रहा कि मुसलमानों के खिलाफ जो इस तरह की एक्टिविटीज की गई जा रही है, बल्कि इंडिया के अंदर भी जो संघ परिवार है, संघ परिवार बेसिकली आरएलएस जो है उसको रन करता है। तो इस आरएलएस की ideology में भी इंडिया के अंदर भी जो है एंटी मुस्लिम्स जो है वायलेंस हमारे सामने आ रही है, मुसलमानों के हकूक को वायलेट किया जा रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट बुक एक्सप्लेन करते हैं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। वो पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हुई है कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली का अभी जो अजलास हुआ था थोड़े दिन पहले, उसके अंदर जो मुसलमानों ने एक जुबान होकर कंडेम किया इस्लामोफोबिया को, और उसमें क्या है, तुर्की के प्रेसिडेंट है रेकब अर्दोगान, ये आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें। ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लें। और इस तरह से पाकिस्तान, तो इन तीन मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इस्लामोफोबिया को जो है उसको कंडेम किया, उसके अंदर एक्सप्लेन किया कि इस्लाम इज नॉट एनी फोबिया। फोबिया बेसिकली कहते हैं डर को, किसी भी चीज का जो आप डर होता है ना उसको कहते हैं फोबिया, खौफ। इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम का डर, इस्लाम से खौफ, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी इमरान खान की, तो डैट टाइम उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसी चीज को लेकर बात भी की, और इसके बाद जो एक हमारे सामने आउटपुट की शक्ल आई वो थी मार्च 15। उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है अब कि मार्च 15 इज इस्लामोफोबिया डे, के इस्लामोफोबिया डे से मतलब ये कि मार्च 15 को ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि इस्लाम इज नॉट अ फोबिया, ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है अब उसमें क्या है ये वो भी आप देख लें। इस पैराग्राफ के अंदर वो प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करता है, वो कहता है सिर्फ कंडेम करने से काम नहीं चलेगा, कंडेम करने से कर रहे हैं, 15th ऑफ मार्च जो है वो इस्लामोफोबिया डे भी बना दिया है, बट स्टिल कोई ऐसा इससे फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो हर कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों के बाद वही एक्टिविटी कुरान मजीद को दोबारा से चलाया जाता है। तो वो कहता है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स आर नीडेड। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स में वो क्या कहता है कि स्पेशली जो डेनमार्क है और स्वीडन है, यहाँ पर क्या किया जाए, प्रपोज कंसिडरिंग बैनिंग द डिसिप्लिन, सिर्फ बैन ही कर दिया जाए कि इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लैदा करके किसी भी जो मजहबी जो टेक्स्ट है उसको जलाना या उसकी बेहरमती करना, इस चीज को टोटली बैन कर दिया जाए ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स। क्योंकि अल्टीमेटली जब बैन नहीं करेंगे तो फिर इसका एक्शन का रिएक्शन तो आएगा वो, और वो डेंजरस होगा। नेक्स्ट वो इसके अंदर बात करता है कि जिस तरीके से एंटी सेमिटिज्म होता है कि वायलेशन ऑफ जूस के बारे खिलाफ जो भी वायलेशन, ने कहा कि जिस तरह यूरोप में ये होलोकास्ट का वर्ड यूज किया गया, यहाँ पर एक और होलोकास्ट बेसिकली क्या था कि किलिंग ऑफ ज्यूज, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो किलिंग ऑफ ज्यूज हुई थी, यानी कि जो हिटलर ने ज्यूज को बहुत बड़ी तादाद में जो मर्डर उनका किया था उसको होलोकास्ट कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एंटी सेमिटिज्म यानी कि ज्यूज को जो मैसकर है यूरोपियन स्टेट के अंदर हुआ था, और इस चीज को अब हाईलाइट यानी कि उन्होंने कवर अप किया, इस चीज को रोका, तो इन द सेम फैशन इस्लाम के बारे में भी क्या होना चाहिए कि इसको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और एक आगे वो एक्सप्लेन करते हैं न्यू कम्पैक्ट इज नीडेड, यानी कि एक नया जो है वो मुआहदा करना पड़ेगा सिविलाइजेशन के दरमियान के एक दूसरे के टॉलरेंस के साथ रहें, एक दूसरे की जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो मुकद्दस चीज़ें हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, और इसी से ही क्या होगा ह्यूमैनिटी जो है वो डेवलप होगी, इसी से ही जो है वो बेहतरी आएगी, इसी से ही पीस होगा। तो डैट इज द फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल इज वरिंग रिमार्क्स। वरिंग रिमार्क्स में बेसिकली जो है वो बलूचिस्तान को डिस्कस किया गया कि बलूचिस्तान में जो लोकल प्रॉब्लम्स पीपल फेस कर रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस वाले को वरिंग रिमार्क्स के एडिटोरियल को, तो ये एडिटोरियल आपको एक्सप्लेन करेगा अबाउट बलूचिस्तान।
और उसके बाद बताएगा अबाउट द राइट्स वायलेशन, इन चीजों के बारे में ये एक्सप्लेन करेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी ये है और ये काफी पिछले 2 साल से चल रही है। वो क्या है जी, वो ये है कि एक तहरीक है ग्वादर हक दो तहरीक। इस तहरीक के जो हेड हैं वो है मौलाना हिदायतुर रहमान। इनको पिछले कुछ दिनों में अरेस्ट भी किया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया। अब क्या है, अब प्रेजेंटली क्या है जी, मैं आपको बस इसका पहले बैकग्राउंड बता दूं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ। बैकग्राउंड में ये हो रहा है कि ग्वादर के अंदर आपको पता है कि जो सी पैक मनसूबा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी वजह से जो बलूचिस्तान के अंदर और स्पेशली ग्वादर पोर्ट में काफी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। अब उस डेवलपमेंट की वजह से जो वहां के लोकल लोग हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उनके वो समझते हैं कि हमारे राइट्स की वायलेशन हो रही है। अब उन राइट्स की वायलेशन के अगेंस्ट ये मौलाना हिदायतुर रहमान, उन्होंने स्टैंड अप लिया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इन्होंने तहरीक का नाम रखा ग्वादर हक दो तहरीक। अब वो राइट्स क्या थे वो आगे हम डिस्कस करते हैं और उन राइट्स के बारे में क्या हुआ। उसके बाद इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, इनके ऊपर दूसरे जो है बगावत करने के और इस तरह के इल्जाम भी लगे, लेकिन उसके बाद इनको रिलीज कर दिया गया। और अभी प्रेजेंटली क्या है, अभी प्रेजेंट ये हुआ है कि इन्होंने एट द एंड जब इनके वो राइट्स जो मांग रहे थे वो फुलफिल नहीं किए गवर्नमेंट ने वादा करने के बाद भी, तो इन्होंने वार्निंग दे दी। उन्होंने वार्निंग दे दी है कि अगर आप लोगों ने, अगर गवर्नमेंट ने हमारे राइट्स हमें ना दिए तो हम फिर इस चीज जो जो मेरे सपोर्टर हैं फिर हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ आर्म्स यानी कि हथियार उठा लेंगे और अपने राइट्स हम फिर ले लेंगे, जबरदस्त जिस तरह का वायलेशंस करेंगे, फिर हम फिर लॉ को नहीं मान लेंगे। तो ये था इस एडिटोरियल के अंदर, ये इन्होंने वार्निंग दी है। अब एडिटोरियल में वो कहता है कि वायलेंस इज नॉट अ नेवर अ सॉल्यूशन। एक चीज तो ये कहते हैं कि जो जैसे वो हथियार उठाएंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी तरफ जो ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम स्टेट के साथ हैं, हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारे राइट्स हमको इन सॉफ्ट वे हमें दिए जाएं, लेकिन अगर नहीं देंगे तो फिर हम हथियार उठाएंगे। ये तो उनकी वार्निंग थी। अब आगे ये कहते हैं कि वायलेंस इज नेवर अ सॉल्यूशन, ये एडिटोरियल वाला आगे एक्सप्लेन करता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और इसको आगे एलैबोरेट करता है। अब वो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर ये हथियार उठाते हैं तो ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी अभी जो तहरीक है उसको एक पोटेंशियल मिल गया है, पॉजिटिव मोमेंटम उसने हासिल कर ली है, लोगों की अटेंशन हासिल कर ली है और लोग उसके साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अगर वो वायलेशन की तरफ आता है, स्टेट ऑफ द स्टेट को वो चैलेंज करता है, तो फिर क्या होगा, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसकी तहरीक के वो नेगेटिव में तब्दील हो जाएंगे और उसको इसका कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप आते हैं। अब वो कहता है कि स्टेट को कहता है कि नीड टू रीअसेस, कि उनकी वो बताता है कि जो जो उनकी हदया अपना रिक्वायरमेंट्स हैं या जो वो डिमांड कर रहे हैं अपने राइट्स वो वैलिड हैं और स्टेट को चाहिए कि इस चीज को सीरियसली ले। अब वो राइट्स हैं क्या बेसिकली, वो राइट्स ये हैं जी। नंबर वन पे आता है लेवलीहुड, रोजी, टू बी सिक्योर्ड अगेंस्ट ऑपेशियस कमर्शियल फिशिंग ऑपरेशन। अब होता क्या है जी, अब मैं आपको सिंपल वर्डिंग में, ये पहला राइट जो मांग रहा है रोजी का वो कैसे मांग रहा है, वो पहले ये होता था कि ये जो फिशरमैन थे ये जाते थे ओशियन के अंदर, वहां से मछलियां पकड़ के ले आते थे और इनको सेल कर लेते। अब क्या हो रहा है, ये अभी भी जाते हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सी पैक की वजह से, ग्वादर की डेवलपमेंट की वजह से वहां पर बड़े बड़े ट्रॉलर जो हैं, जो बड़ी कश्तियां हैं जिनको हम कहते हैं, अब वो भी साथ में वहां पर क्या कर रही हैं, मछलियां पकड़ रही हैं। लेकिन मछलियों को पकड़ने का भी एक लॉ है ओशियंस के अंदर, उसमें आप ट्रॉलर यूज नहीं कर सकते। जब आप ट्रॉलर यूज करते हैं तो वो अगर ये ओशियन की बेस है, लैंड है, तो वो यहां से रगड़ कर हर चीज को अपने साथ ले जाता है। उसके अंदर फिशिज, छोटी फिशिज भी आ जाती हैं, उसके अंदर जो आपके झींगे हैं वो भी आ जाते हैं, उसके अंदर वो चीजें भी आ जाती हैं जो आपने सेल नहीं करनी या जिनको आपने नहीं पकड़ना।
यानी कि ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो मछलियों के लिए जरूरी हैं, इंसानों के लिए नहीं, लेकिन जब आप उनको भी रोड करके अपने साथ ले जाते हैं तो मछलियों की खुराक भी डिस्टर्ब होती है। तो ये वो कहते हैं कि ये वाली जो वायलेशन है इसको रोका जाए, लेकिन गवर्नमेंट इसको रोक नहीं रही, एक चीज तो ये। और ये डायरेक्टली फिर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से मछलियों की तादाद कम हो रही है और वहां पर जो लोकल बछेरे हैं, लोकल फिशरमैन हैं, वो उनको कम मछलियां मिलती हैं या मछलियों को उनको उतनी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो उस वजह से उनकी जो रोजगार है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये कहता है कि ये जो वायलेशन हो रही है इसको रोका जाए, एक तो इसकी ये डिमांड है। सेकेंडली वो क्या कहता है, ड्रग स्मगलिंग को रोका जाए, क्योंकि वहां पर एक तो ड्रग स्मगलिंग इस एडिटोरियल के अंदर उन्होंने ऐड नहीं किया, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने ऐड किया था ईरान के साथ जो ट्रेड है उसके ऊपर भी इन्होंने काफी, पाकिस्तान की जो स्टेट है इसने काफी उस इलाके में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसकी वजह से वहां के लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। एक ये भी था और एक अभी ये वाला ड्रग स्मगलिंग को भी रोका जाए। तीसरा जो बड़ी अहम चीज है वो ये है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर ट्रेड एंड मूवमेंट। अब हुआ क्या है, सी पैक की वजह से वो वाला जो एरिया है वो अंडर स्पेशल अटेंशन आ गया स्टेट के। अब वहां पर जगह जगह पर चेक पोस्ट बनी शिकार सी पैक। अब जो वहां के जो लोकल्स हैं वो यहाँ से चलते हैं और अगली चेक पोस्ट पे, फिर अगली चेक पोस्ट पे चलो जी, फिर इस तरह से उनकी इतनी दफा चेकिंग होती है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनकी जो फ्री मूवमेंट थी ना उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन बन गई है। और फिर ये वाले जो चेक पोस्ट वाले हैं ये भी मिस यूज ऑफ पावर करते हैं, ठीक है। और इस वजह से भी ये भी वो डिमांड कर देते हैं कि आर्मी कंट्रोल जो चेक पॉइंट्स हैं, जिन्होंने आर्मी कंट्रोल की शेप ले ली हुई है, तो ये भी क्या करें, इसको डिक्रीज किया जाए या हमारे लिए कोई स्पेशल परमिट बना दिए जाए ताकि हमको ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ये ना करनी पड़े। तो ये तीन मेन उनकी जो थी डिमांड्स थी। तो डिमांड्स नॉट सीन अनरीजनेबल, कि रीजनेबल डिमांड्स हैं, इनको फुलफिल करना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि बोथ द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एंड इंटीरियर मिनिस्टर दोनों बलोचिस्तान से हैं, तो उन्होंने कहा कि ये होना भी चाहिए। तो ये टेरिटोरियल के अंदर फिर जो राइट्स हैं सिविलियंस के उनको मिलने चाहिए, और ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन में। ये भी टॉपिक ऐसे वगैरह पूछा जाता है, नेशनल इंटीग्रेशन। तो जब सबको राइट्स मिलेंगे तो हम मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन जब सबको राइट्स नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली हमारे दरमियान फ्रीडम फाइटर्स पैदा हो जाएंगे, जिस तरह से अब ये है। तो उससे क्या होगा, जो पूरे का पूरा पाकिस्तान यकजा है वो टूट सकता है, और टूटा भी है पहले पहले बांग्लादेश हमसे अलग हो चुका है। तो अगर अभी भी हम राइट्स की वायलेशंस करेंगे, जिसका ड्यू राइट है उसको नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, लोग जो है वो आर्म उठाएंगे, बगावत करेंगे, तो सिविल वार शुरू हो सकती है, और इसके अलावा मुल्क जो है वो टूट भी सकता है। तो ये इस पर्सपेक्टिव में आप इसको ऐड कर सकते हैं। थर्ड आ गया जस्टर और वैंडेट, इंसाफ दे दो या फिर वायलेशंस होंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, फसाद होगा, क्या करना है, जस्टिस है या वैंडेट है। अब इसके अंदर वो क्या करता है, इसमें इसके अंदर एडिटोरियल के अंदर डेमोक्रेसी को हिट करता है। डेमोक्रेसी कहती है रूल ऑफ लॉ, ये डेमोक्रेसी का जो नारा होता है कि रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या है, अब उसको एक्सप्लेन करता है। आप आपने अपने जहन में रखना है कि इस वाले को आपने कहाँ पे फिट कर सकते हैं आप, डेमोक्रेसी के अंदर, रूल ऑफ लॉ के अंदर, कैसा चल रहा है पाकिस्तान में, है या नहीं है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, है या नहीं, एज एग्जाम्पल आप इसको कोट कर सकते हैं। और इसके अंदर वो है क्या, इसके अंदर बेसिकली एक ही पॉइंट जो मेन है उसको डिस्कस किया गया, और वो ये है री अरेस्ट, कि यहां से एक कोर्ट जो है वो एक बंदे को बेल देती है और कहती है चलें जी आप आजाद हो, वो कोर्ट से बाहर निकलता है और आगे फिर उसको पुलिस अरेस्ट कर, तो मतलब क्या हुआ कि पुलिस ने फिर अरेस्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि जो कोर्ट है वो तो फारग हो गया ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसकी तो कोई वैल्यू ही ना रही, उसने जो उसको रिलीज किया, तो ये क्या मजाक है, ये नहीं कि उसने उसको चला कि वो बंदा एक बेल दिया, रिहाई के ऑर्डर दिए हैं, जो भी दिया है उन्होंने आजाद कर दिया, उसको बाहर निकला है, पुलिस ने फिर अरेस्ट कर लिया, और बहाना क्या लगाया जी एक और केस था, तो पहले कहाँ था वो केस। तो ये वहां पे कह रहा है कि अगर ये है तो ये क्या हो रहा है, इसके बारे में वो डिस्कस करता है, उसकी वो एग्जाम्पल देता है। तो आगे वो कहता है जी डेमोक्रेसी क्या कहती है, रूल ऑफ लॉ,
डेमोक्रेसी ये कहती है रूल ऑफ लॉ हो, ठीक है, लेकिन अभी क्या पाकिस्तान में हो रहा है, री अरेस्ट इसके पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनकी री अरेस्ट उनको करी जा रही है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि चार औरतें जो है पीटीआई की, वो अभी कोट लखपत जेल से बाहर निकली हैं तो उनको दोबारा री अरेस्ट कर लिया। चौधरी परवेज राय को 12 दफा दोबारा अरेस्ट कर लिया 9 मई के प्रोटेस्ट के। तो केस क्या था जी, लैंड वैल्यू मैनिपुलेशन था। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसको बेल दी और उन्होंने उसको दोबारा जो है वो अरेस्ट कर लिया। ये सूरत हाल एक्सप्लेन करता है। आगे क्या कहता है, इससे क्या होगा अगर ऐसी एक्टिविटीज होंगी तो इसका मतलब क्या, पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक हो गया। तो इससे और क्या मैसेज जा रहा है जी, मिसयूज ऑफ पावर का मैसेज जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि जिसके पास पावर है जिसकी लाठी उसकी बहन है, मतलब क्या कि कोई कानून नहीं है, यही मैसेज जा रहा है ना, कि जब एक कोर्ट का कोई फॉलो अप ही नहीं है तो इट मीन कोई कानून नहीं है। आगे वो फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी बात करता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड जस्टिस होना चाहिए। अथॉरिटीज मस्ट क्लैरिफाई देयर स्टांस व्हाट अपीयर टू बी सिंस मेयर, कि दोबारा दोबारा जो अरेस्ट कर रहे हैं तो पहले क्लियर तो करेंगे ये हो क्या रहा है, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो वे फॉरवर्ड करता है वो यही करता है कि वे फॉरवर्ड इज क्लियर एन अनबायस्ड थोरो इन्वेस्टिगेशन इन द केसेस बाय इंश्योरिंग दैट द राइट ऑफ पीटीआई मेंबर्स आर अपहेल्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये है आप जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर अगर आप टॉपिक आता है उसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर आप ऐड कर सकते हैं इस चीज को, ये एक एग्जांपल्स के तौर पर। आप जब भी पैराग्राफ में एक चीज होती है टू एलैबोरेट, आप जब एक पैराग्राफ लिखते हैं ना तो उस पैराग्राफ के अंदर आप एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बस एक पॉइंट, और उसको एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेनेशन करने का आप अपने उसको आर्गुमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं, और अगर एग्जांपल दे के आप एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मेथड, वैसे तो बहुत से हैं, तो विद एग्जांपल जब आप एक्सप्लेन करते हैं उसको आप सपोर्ट करते हैं तो दैट इज थ्रू वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि जुडिशरी के अंदर जो जुडिशरी पे आता है तो आप लिख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव में क्या जा रहा है, जुडिशरी का क्यों इतनी वीक है, वो आप उसको थ्रू एग्जांपल दे सकते हैं। डेमोक्रेसी जी रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ जो है जब वो कोर्ट बेल दे रहा है तो री अरेस्ट, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है रूल ऑफ पावर है। तो ये थे आज के एडिटोरियल, थैंक यू वेरी मच।